बिहार सरकार के द्वारा नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर राज्य भर में सरकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाए जाने के मामले पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि शपथ मोटिवेशन के लिए जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि जब शराबबंदी हुई है तो उच्च अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर ध्यान देना होगा और शराब दूसरे राज्य से यहाँ तक नहीं पहुँचे इसको लेकर कार्रवाई तेज करनी हो, तभी शराबबंदी सफल हो पाएगा। शराबबंदी को लेकर अधिकारियों को अपने भीतर झांकने की जरूरत है। वहीं इसके लिए कितना काम कर रहे हैं और सरकार को भी कड़ाई से कदम उठाने होंगे। छह वर्ष जब हम लोग पहले सदन में शराबबंदी हम लोग सब लोग एक मत से किए थे, उसमें सारे पदाधिकारियों ने शपथ लिया था, लेकिन फिर भी शपथ को बहुत लोगों ने माना नहीं, इसलिए फिर से शपथ दिलाना पड़ रहा है। शपथ तो जरूर दिलाई है, लेकिन पदाधिकारियों को उनके अंदर जो सोच है वो बदलनी होगी कि जब शराबबंदी लागू सदन के द्वारा किया गया तो आप लोग भी शराब को किसी दूसरे राज्य से बिहार में आने मत दीजिए। हमारा लगता है कि ये शपथ दिलाने से नहीं होगा, उन पर जो शीर्ष पदाधिकारी है उनको ये तय करना होगा कि उनके अधीनस्थ पदाधिकारी कोई भी शराब बॉर्डर्स पे घुसने नहीं देंगे, तभी ये शराबबंदी लागू होगा और उस पर कार्रवाई भी करिए। शपथ तो एक चीज़ है कि शपथ से फिर से क्या होता है, मोटिवेशन आता है, फिर हम चाहेंगे कि शपथ अगर लेते हैं कोई पदाधिकारी उसको फॉलो करें और शराबबंदी को पूर्ण रूपेण रोकने का काम करें। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।